हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि एक एडवोकेट और एक लॉयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मली सुनने में लॉयर और एडवोकेट दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं और इनका एक तरह से ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है। लॉयर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि अटर्नी, एडवोकेट, सॉलिसिटर। इनमें से सभी कानून के अलग अलग क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो चलिए जानते हैं लॉयर और एडवोकेट के बीच का डिफरेंस, जानेंगे शुरू से आखिर तक, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले बात करते हैं लॉयर की। लॉयर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अभी भी कानून की यानी कि LLB की पढ़ाई करने में लगा हुआ है। उस व्यक्ति के पास अदालत में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि वो उस वक्त तक एडवोकेट बना नहीं होता है, क्योंकि बिना पूरी पढ़ाई के वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता। और जब तक कि कोई LLB करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता एज अ लॉयर, तब तक वो कोर्ट में जाकर केस को नहीं लड़ सकता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एडवोकेट की, तो एडवोकेट आमतौर पर एक वकील को ही कहा जाता है। ये वो व्यक्ति होता है जिसने कि कानून की पढ़ाई को पूरा कर लिया है और वो किसी कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस भी कर रहा होता है। इस तरह से एक एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जिसने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली है और अपने आप को रजिस्टर भी करा लिया है। चलिए अब दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। एक लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसने कानून की पढ़ाई और प्रैक्टिस प्राप्त कर ली है। लॉयर वर्ड एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही बेसिक वर्ड है, जबकि एडवोकेट एक विशेष प्रकार का लॉयर होता है जो कि किसी कोर्ट में अपने क्लाइंट का पक्ष रखने के लिए खड़ा हो सकता है। एडवोकेट शब्द का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं किया जाता, वहाँ उन्हें केवल लॉयर कहा जाता है। एडवोकेट का उपयोग मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम और दूसरे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में किया जाता है। एडवोकेट का जो काम होता है वो कोर्ट में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करना होता है, अपने जो पार्टी है उसका पक्ष रखना और लॉयर के कार्यों में शामिल होना, कानूनी सलाह देना, किसी मामले में जनहित याचिका दाखिल करना, और उनकी भूमिका लॉयर के प्रकार के अनुसार बदल सकती है। एक एडवोकेट लॉयर हो सकता है, लेकिन एक लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता। एडवोकेट लॉयर से एक कदम आगे की पोस्ट पर होता है। एक एडवोकेट के काम का दायरा लॉयर से बड़ा होता है। इस तरह से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वकीलों के लिए अलग-अलग शब्द हर एक देश में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि कोई देश कानून की पढ़ाई करने वाले को एडवोकेट कहता है, कोई बैरिस्टर, कोई अटर्नी, कोई वकील या फिर कोई सॉलिसिटर भी कहता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो एडवोकेट और लॉयर के बीच क्या डिफरेंस होता है के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।